हेलो गाइस, वेलकम टू गिटार विजार्ड। ये थर्ड वीडियो है सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी गाने की कॉर्ड्स आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, आपको आज पूरा एलेबोरेट करके बता रहा हूँ इन वीडियो सीरीज़ में कि आप कैसे उसको फॉलो करें। और किसी भी गाने की कॉर्ड्स के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और इस बहाने आप कुछ नया भी सीख जाएंगे। और आपको हर गाने की सॉन्ग की कॉर्ड्स के लिए इंटरनेट पर या यूट्यूब पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने गाना चूज किया था मेरे महबूब कयामत होगी, उस गाने का स्टेप बाय स्टेप कॉर्ड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली कॉर्ड निकाल ली थी गाने की, जो कि उसकी रूट यानी स्केल की कॉर्ड है, यानी ए माइनर स्केल था, तो ए माइनर कॉर्ड आ गई थी मेरे पास। गाने की लीड मैंने निकाल ली थी। अगर आप पूरा गाना ए माइनर स्केल पे ही बैठा के पूरा बजा देंगे तभी भी वो सुनने में बुरा नहीं लगेगा। हमें कॉर्ड्स भी बदलनी है गाने में। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? रूट से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें लग रहा है कि कयामत होगी एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग दे रहा है इतना वर्ड, तो वो डिफरेंट कॉर्ड तो होगी। अब वो डिफरेंट कॉर्ड कौन सी होगी वो हमें जाननी है। तो यहां तक ए माइनर चल जाएगी, क्योंकि ये ए माइनर स्केल में आने वाला नोट है, तो ये संभाल लेगा यहां तक की कॉर्ड्स को। यानी कि कौन सा नोट आया? जी नोट। मत मत पे आया जी नोट, यानी कि यहां पर लगेगी जी मेजर कॉर्ड। मत होगी, अब आप कहेंगे जी मेजर के बाद तुरंत ए भी तो लग रहा है। मत मत होगी, तो हम मोमेंटरीली आने वाले नोट्स को इग्नोर कर देते हैं, और उस पार्ट में जो ज्यादातर नोट्स लग रहे हैं उनको हम उन पे एम्फेसिस करेंगे। जैसे कि जी लगने के बाद बी लगा, कयामत मत होगी, जिससे कि हमें बहुत फास्ट कॉर्ड्स ना चेंज करनी पड़े। अगर बहुत फास्ट कॉर्ड्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी तो वो हमारे लिए एक तरह से लीडिंग हो जाएगी, फिर कॉर्ड्स में और लीड्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पर मुझे लग रहा है कि जी नोट भी आ रहा है, बी नोट भी आ रहा है, और हमें पता है कि एक फॉर्मूला यानी कि एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है, माइनर मेजर मेजर, या कह सकते हैं मेजर मेजर माइनर। इस फॉर्मूले को भी अगर इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया जाए तो यहां से पता चल रहा है कि माइनर के बाद मेजर हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये आएगी कॉर्ड यहाँ पे, अभी तक हम इस पे इसको अटेस्ट नहीं कर सकते कि ये कॉर्ड यहाँ पे आएगी। हम सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि क्या ये कॉर्ड यहाँ पे आ सकती है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे माइनर मेजर मेजर वाला। तो देखते हैं, हो सकता है ना भी हो रहा हो। माइनर मेजर मेजर एज लॉन्ग एज आपको लग रहा है कि वो कॉर्ड वहां फिट बैठ रही है, उतनी देर तक उस कॉर्ड को यूज करिए आप वहां पर। अब ये जो नोट्स लग रहे हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ए माइनर के नोट्स ही वापस आ रहे हैं। आज रुसवा, देखिए बिल्कुल सही लगा हो। तेरी तो यहाँ पे बी ए और जी यानी जी ए बी ये नोट्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी ज्यादा है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है या ज्यादा परसेंटेज आ रही है ए जी की और बी की। तो यहाँ पर फिर हम सब जी मेजर कॉर्ड लगाएंगे। आज रुसवा तेरी गलियों मोहब्बत।
मैंने यहाँ पे एफ क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पर ये नोट आ रहा है, ये नोट कौन सा है? एफ नोट। और ये एफ नोट कौन सी कॉर्ड में आता है? ना ए माइनर में आता है, ना ये आता है जी मेजर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है गाने में सुनने में, क्योंकि ये एकदम ही स्केल में पीछे जाता है। अगर हमने इसको लगा दिया तो गाना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो नोट्स यूज हो रहे हैं वो एफ मेजर कॉर्ड के यूज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये एफ मेजर कॉर्ड होती है, ये फिर ए माइनर के नोट्स यूज हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि गाने का छोटा सा पार्ट लेना है, उस पार्ट में देखिए जो नोट्स आ रहे हैं वो किसकी तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। जैसे कि नोट्स आ रहे हैं ए सी ई या ए सी डी ई, तो ए सी डी ई में सबसे ज्यादा नोट्स ए सी ई किसके आ रहे हैं, ये एक बिल्कुल आपको कॉमन सेंस से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ए सी ई आ रहे हैं या तो ए माइनर के या तो सी मेजर के। आप ए माइनर का गाना है तो आप ए माइनर पे जाइए, सिंपल लॉजिक है। उसके बाद नोट्स आ रहे हैं जी ए बी डी, मान लीजिए जी ए बी डी नोट्स आ रहे हैं सॉन्ग में, सॉन्ग के इस पार्ट में जी ए बी डी नोट्स आ रहे हैं। तो जी ए बी डी को किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे कि जी होता है जी मेजर स्केल में, बी भी होता है जी मेजर कॉर्ड में और डी भी होता है जी मेजर कॉर्ड में। तो यहां से हमें समझ में आया कि ए माइनर के बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड लगेगी वो लगेगी जी मेजर कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास जो नोट्स आए वो आए एफ ए और बी, जो बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए ट्रांजिशन नोट्स आते हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कॉर्ड्स में उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जैसे ये यानी ई, आप चाहें तो आप अगर आपका हाथ इतना फास्ट चलता है आप पे आप एक ई माइनर भी लगा सकते हैं, वहां पे यहाँ पे ई माइनर भी लगा सकते हैं आप। सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी नोट बाय नोट कॉर्ड्स को प्ले करने लग जाएं। तो यहाँ पर हम इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। सॉन्ग के मेजर ट्रांजिशंस एफ नोट पे आते ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत तेजी से ट्रांजिशन था जी और ए के बीच में, ए माइनर के बीच में, तो हम यहाँ पे जी मेजर को यहाँ से ओमिट भी कर सकते थे, हटा भी सकते थे, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सॉन्ग में कितनी ज्यादा कॉर्ड्स की स्टफिंग करते हैं। बहुत ज्यादा कॉर्ड्स की स्टफिंग करने से गाना अच्छा हो जाता है, पर उसके लिए आपको उन कॉर्ड्स की अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जी मेजर लगेगी, हो सकता है यहाँ पे जी मेजर सेवेंथ कॉर्ड लग रही हो, जो कि अगर आपको नॉलेज नहीं है मेजर सेवेंथ, डिमिनिश्ड, मेजर नाइन्थ, एड नाइन कॉर्ड्स की आपको अगर, या एड थर्टीन कॉर्ड्स, एड इलेवन कॉर्ड्स की अगर आपको नॉलेज कम है, तो आप बेहतर होगा जितना आपको समझ में आ रहा है उससे ज़्यादा सॉन्ग में कॉर्ड्स की स्टफिंग ना करें। तो इससे आपकी जो कॉर्ड है वो, जो आपका सॉन्ग है वो एकदम आपको रिदमिक बढ़िया से, आपको रिदम में कॉर्ड्स चेंज हो रही हैं, तो आपको उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और आपने उसको खुद निकाला है तो आपका कॉन्फिडेंस विल बी ऑन क्लाउड नाइन। तो ये वीडियो सीरीज में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि किसी भी सॉन्ग की कॉर्ड्स कैसे निकालनी है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। आप किसी भी गाने की कॉर्ड्स मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर गाने की कॉर्ड्स आपको बता सकता हूँ विद इन 10 मिनट्स। और मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ सेम स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं। अगर इसको समझने में कहीं गैप है, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि आप कि कोई सा स्टेप आपको समझ नहीं आया है इन तीनों वीडियो सीरीज में से, तो आप मुझे बताइए, तो मैं वो चीज़ आपकी क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और हेल्पफुल टिप्स के साथ आपसे मिलूँगा। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय।